हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो ना? तो चलो आज भी इसी इसी को लेके कुछ बातें हम लोग जान लें, ठीक है? तो ये हमारा कांटेक्ट नंबर है, ठीक है? आप लोगों को कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी बातें जाननी होगी तो आप इस पे कांटेक्ट कीजिएगा, आपको सारी बातें पता चल जाएंगी अच्छे से, ठीक है? तो आगे चलते हैं। BCEC क्या है, ठीक ना? तो BCEC जो है एक एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है हमारे गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा, ठीक ना? जो बिहार में हमारी बोर्ड है BCEC की, ये कंडक्ट करती है, ठीक है? और एक स्टेट लेवल एग्ज़ाम होता है, इसमें एडमिशन लोग अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में हम लोग कर लेते हैं, ठीक ना? बहुत सारे डिपार्टमेंट में जैसे एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, मेडिकल और भी फार्मेसी, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं इसमें। ये बिहार में एडमिशन होता है हमें, ये बात ध्यान रखिएगा। बिहार के अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट, तो उसमें हमें एडमिशन मिलता है, ठीक है? उसके बाद इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो इसमें जो है 12th पास बच्चे या 12th अपियरिंग, ठीक ना? या 12th पास हो या अपियरिंग हो, ठीक ना? विथ PCB, PCM, PCMB या एग्रीकल्चर स्ट्रीम। इतना याद रखिएगा, एक कंफ्यूजन हर बच्चे को होती है कि भाई पूछा क्या जाता है। तो पहली बात तो आप 12th में आपका जो सब्जेक्ट है ना, तो उसको अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि वो आपका बहुत एक क्या कहता है रामबाण है 12th का आपका सिलेबस। तो 12th के सिलेबस को एकदम अच्छे से पढ़िएगा। उसके बाद PYQ है, और PYQ देखिए, PYQ देखना मत छोड़िएगा। PYQ आपको बहुत हेल्प करता है एग्ज़ाम में, ठीक है? एक आइडिया बताता है। और 12th का सिलेबस, और कहीं से भी पढ़ रहे हों, हमारे यहाँ से पढ़ रहे हों कहीं से भी, तो उनके नोट्स, वो बहुत नोट्स को भी मत छोड़िएगा, ठीक है ना? ये सब चीज़ आपको बहुत हेल्पफुल होगी। और शॉर्ट नोट्स हमेशा बनाइए, लास्ट टाइम में शॉर्ट नोट बहुत हेल्पफुल देते हैं, ठीक ना? और दूसरी बात इसमें ये है कि वो क्या होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, और डोमिसाइल कहाँ का होना चाहिए, तो बिहार का। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है? उसके बाद एक और बात कि 12th में आपका ना 45% होना चाहिए मार्क्स, अगर आप पास आउट हैं तो, ठीक ना? और SC ST के लिए कितना होना चाहिए, तो 40%, ठीक है? फार्मेसी कोर्स के लिए भी वही है कि आपका 45% क्या होना है, तो सारे बच्चों का होना, बस SC ST को कितना होना है, 40 मार्क्स होना है, ठीक ना? उसके बाद है कि सीट रिजर्वेशन को लेके, ठीक ना? तो जनरल वालों का 50% है, एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लासेस उनका 80% है, शेड्यूल कास्ट जो SC है उनका 12% है, शेड्यूल ट्राइब तो ST जिसको बोलते हैं 1% है, बैकवर्ड क्लास जो BC है उसका 12% है, रिजर्व कैटेगरी फॉर गर्ल्स RCG जो बोलते हैं उसका 3% है, ठीक ना? ये तो हो गया सीट को लेके। अब आगे चलते हैं हम लोग कि फॉर्म को लेके, ठीक ना? फॉर्म को लेके तो आप लोग को ऑलरेडी पता होगा, बट चलिए फिर हम लोग जान लेते हैं। 19 अप्रैल को ही इसका फॉर्म आउट हो चुका था, ठीक ना? और 19 मई इसका क्या है, लास्ट डेट है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक ना? तो लास्ट डेट होने से पहले प्लीज़ जाके फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि 13 से 14 जुलाई के बीच इसका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक ना? तो 12th में जो आप पढ़े हों उसको देखना मत छोड़िएगा, क्योंकि 12th में जो आप पढ़े होंगे वो बहुत उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं BCEC में, उससे बाहर नहीं रहता है, सिलेबस से बाहर। आप सिलेबस देख लीजिएगा, ठीक है? और कहीं से भी पढ़ रहे हो, हमारे यहाँ से या किसी भी इंस्टीट्यूट से, उनके गाइडलाइंस को फॉलो कीजिएगा, ठीक ना? और PYQ ज़रूर देखिएगा। PYQ किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, एक आइडिया बताता है वो, ठीक ना? उसके बाद ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है? बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, एंड थैंक यू। तो और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे, बने रहिए हमारे।